जैसे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गुप्त फाइलें सार्वजनिक हो रही हैं, वैसे वैसे उनकी मौत से जुड़े रहस्य पर से पर्दा हटता जा रहा है। और अभी तक यही माना जाता है कि 1945 में ताइवान विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई थी। लेकिन नेताजी को लेकर जो ताज़ा फाइलें सार्वजनिक हुई हैं, उनसे ये सबूत मिलते हैं कि नेताजी 1945 में हुए एयर क्रैश में बच गए थे। हालांकि अभी तक की सरकारें इस बात से इनकार करती आई हैं कि विमान हादसे में नेताजी बच गए थे, लेकिन जो पहले सार्वजनिक की गई हैं, उनसे पता लगता है कि एयर क्रैश के बाद भी नेताजी ने 3 ब्रॉडकास्ट किए थे। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक दस्तावेजों से ये जानकारी मिलती है कि नेताजी ने 26 को पहला ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी विश्व शक्तियों की शरण में हूँ, मेरा दिल भारत के लिए तड़प रहा है, मैं तीसरे विश्व युद्ध के शिखर पर पहुँचने के दौरान भारत आऊँगा, इसमें 10 साल या उससे भी कम समय लग सकता है। अपने पहले ब्रॉडकास्ट के 5 दिन बाद नेताजी ने दूसरा ब्रॉडकास्ट 1 जनवरी 1946 को किया। इसमें उन्होंने कहा था कि हमें 2 साल में स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद बिखरता जा रहा है, भारत को अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं महात्मा गांधी का सम्मान करता हूँ। 1 जनवरी के बाद नेताजी ने फरवरी 1946 में अपने तीसरे ब्रॉडकास्ट में कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, जापान के समर्पण के बाद ये तीसरी बार है जब मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों को संबोधित कर रहा हूँ। इंग्लैंड के पीएम मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्यों को परमानेंट सेटलमेंट के नाम पर भारत का खून चूसने के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि नेताजी से ये जुड़ी जानकारियां प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइल नंबर 870/11/P/16/92/Pol से मिली हैं। ये सारी जानकारी बंगाल के गवर्नर हाउस से इकट्ठी की गई है। जिस समय ये जानकारी मिली थी, उस समय आरजी केसे बंगाल के गवर्नर थे। गौरतलब है कि 29 मार्च को केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़ी 50 और गुप्त फाइलों को सार्वजनिक किया है।